गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से दो और मौतें, साथ हुआ मृतकों का आंकड़ा। फोर लेन की ब्लास्टिंग से फिर दहला थापना गांव, गुस्साए ग्रामीणों ने बंद करवाया काम। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से हिमाचल में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। पौंटा साहिब के बहराल में राष्ट्रीय पक्षी मोर करंट लगने से घायल। और अब समाचार विस्तार से। मंडी जिला के सिलापड़ कांगू क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से दो और लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य को मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती करवाया गया है। वहीं अब मामले में सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चार लोगों का उपचार चल रहा है। मामले की पुष्टि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 बजे धवाल क्षेत्र के 55 वर्षीय सीताराम की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जबकि 42 वर्षीय भगत राम गांव भलियानी की उपचार के दौरान गुरुवार सुबह मेडिकल कॉलेज नेरचौक में मौत हो गई। इसके साथ ही 48 वर्षीय जीतराम निवासी धवाल व नीरज कुमार सिलापड़ की देर रात अचानक तबीयत खराब होने के बाद परिजनों द्वारा आनंद फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। स्वारघाट में थापना गांव के पास चल रहे कीरतपुर नेरचौक फोर लेन कार्य में एक बार फिर गाबर कंपनी की लापरवाही सामने आई है। कंपनी द्वारा एक बार फिर भारी ब्लास्टिंग की गई है, जिसकी ना तो ग्रामीणों को कोई सूचना दी गई और ना ही प्रशासन या लोक निर्माण विभाग को सूचना दी गई। ब्लास्टिंग के दौरान स्थानीय लोग निजी घासनियों में काम कर रहे थे। इस दौरान ब्लास्टिंग से पत्थर लोगों के घरों व आंगन छतों में जाकर गिरे। कंपनी की लापरवाही के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने फोर लेन का निर्माण कार्य रुकवा दिया है और पुलिस व स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया। मौके पर स्वारघाट पुलिस, नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा और एसडीओ पीडब्ल्यूडी अक्षर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। कंपनी के अधिकारियों और ग्रामीणों को पुलिस थाना स्वारघाट में बुलाया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से हिमाचल एक बार फिर प्रचंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। गुरुवार सुबह भी हल्की बूंदाबांदी से कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में शीतलहर महसूस की गई। इस दौरान लोग आग का सहारा लेकर ठंड भगाते दिखे। उधर बारिश से एक बार फिर किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना है ये बारिश गेहूं और नकदी फसलों के लिए काफी लाभदायक है और आने वाले समय में अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इसके साथ ही चंगर क्षेत्र के किसान भी बारिश से खुश नजर आ रहे हैं। पौंटा साहिब के बहराल में करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल होकर सत्यानंद गोधाम में गिर गया। गौशाला संचालक सचिन ओबेरॉय ने बताया कि गौशाला के पास के जंगल में अक्सर राष्ट्रीय पक्षी घूमते रहते हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई हादसे का शिकार हुआ हो। उन्होंने कहा कि यह देश की धरोहर है, इसलिए इन्हें बचाना जरूरी है। उन्होंने अपने स्तर पर काफी प्रयास किया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया है। उधर एसडीएम पौंटा साहिब विवेक महाजन ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और घायल मोर का उपचार करवाया जा रहा है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।